नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं आज फिर हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर और नई जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी। और मेन तो आज हार्वेस्टिंग है, तो आप देखिए आज की हार्वेस्टिंग क्या टूटने वाला है। बरसात हमारे यहाँ हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो बगिया अभी अच्छी खिली हुई है। और देखिए सामने बैठे हैं हमारे बेटू जी कार्तिक, और साथ में एप्पल खा रहे हैं और साथ में बगिया का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पहले लगी हुई सब्जी दिखाती हूँ। मुझसे किसी भी वर ने कहा था कि आप सब्जी जब तोड़ते हो तो बहुत स्पीडली तोड़ लेते हो, सब्जी दिखाते नहीं हो। तो देखिए मैं आपको लगी हुई कुंदरू बता रही हूँ, और मेरे ख्याल से ये चौथी या पांचवी हार्वेस्टिंग है कुंदरू की। मैंने पहले भी बताया कि 3 दिन में या 4 दिन में कुंदरू टूट जाती है, बहुत बहुत अच्छी फलती है। और इसकी कोई विशेष केयर नहीं है, बस इसमें थोड़े थोड़े कीड़े होते हैं, बारीक बारीक इल्लियां होती हैं। तो हम रोज छत पे जब आते हैं तो एक एक पत्ता पलट कर देखते हैं। तो चलिए मैं ये लॉन्ग भी नहीं दिखा। दिखाती हूँ मैं हार्वेस्टिंग। ये लॉन्ग बीन देख लीजिए, इसकी साइज देख लीजिए। हालांकि हमारी बाकी की बेल में कीड़े लग रहे हैं, और कीड़े एक बड़ी समस्या है, आप लोग भी मुझसे पूछते हैं। और उसका जवाब ये है कि ऑर्गेनिक में बहुत कोई कीटनाशक आता नहीं है। अगर कीड़े नहीं हो उसके पहले ही आप अगर केयर करते रहें तब तो ठीक है, और अगर अगर कीड़े हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ भी नहीं आता कि जो कीड़े मार दे। ऑर्गेनिक का तो अर्थ ये होता है कि कीड़ों को वहां से अलग कर देना बस। वैसे हम क्या करते हैं कि तंबाकू का पानी गला के उसे 24 घंटे गलाते हैं और उसको छान के रख लेते हैं। उसे हम कीटनाशक की तरह कीटनाशक की तरह स्प्रे करते हैं, लेकिन वो भी बस भगा ही पाता है कीड़ों को, या थोड़ा बहुत पत्ते कड़वे हो जाते हैं तो पत्ते छेदने वाले कीड़े नहीं आते। बाकी अगर जैसे कीड़े हैं तो उनको अगर मारना है कीड़ों को, तो फिर केमिकल ही चाहिए होता है, ऑर्गेनिक से बात बनती नहीं है। तो इस बीच कुंदरू टूट रहे हैं, वो मैं तब तक एक बार पूरी बगिया का चक्कर लगा देती हूँ, क्योंकि ये कुंदरू टूटने में तो अभी बहुत वक्त लगने वाला है। जब टूट जाएगा तो मैं आपको टोकरी भरी हुई दिखाऊंगी, और तब तक मैं अपनी पूरी बगिया का। और ये हमारी जिंजर, ये कार्तिक की सिस्टर है ना कार्तिक तो वहाँ हमारे साथ ये भी आती है बगीचे में। और अब आप देखिए सामने का व्यू पोर्चुला का। सबसे आसान है ये छत को हरा भरा सुंदर करने का, सबसे आसान तरीका है देखिए। और ये जगह भी नहीं घेरते, मैंने जिस तरह से लगाया है मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यारी के बिल्कुल बाउंड्री पर लगा दिया है, और उसने बाउंड्री में साइड में वो आ गई है। और देखिए सफेद बैगन, और ये देखिए, हालांकि बैगनों पर चींटियों ने हमला किया है। कीड़े मेरी बगिया में भी लग रहे हैं, चींटियां भी लग रही हैं, माहू भी लग रही है। बस मैं बार बार कभी नीम ऑयल स्प्रे करती रहती हूँ, और कभी मैं काली माहू के लिए वो तंबाकू का स्प्रे करती रहती हूँ। तरह तरह के जो मैंने बना रखे हैं वो मैं एक एक करके सबकी बनाने की भी विधि बताऊंगी, वो मैं स्प्रे करती रहती हूँ, और उससे वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ कीट भी खा रहे हैं, कुछ हम खा रहे हैं, और उस हिसाब से चल रहा है।
और चलिए मैं अब आपको एक एक बार फिर से हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ कि टोकरी कितनी कुंदरू टूट गए हैं। तो मैं हर बार कहती हूँ कि जो लोग नए हैं वो लोग कुंदरू जरूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह फलता है, बहुत स्वादिष्ट इसकी सब्जी होती है। कुंदरू कैसे प्रोपोगेट होता है देखो मैं वो भी बता दूं। इसकी ये जमीन में देखो एक शाखा गई है और मैंने इस शाखा को मिट्टी में दबा दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने दबा दिया है और यही सोच के दबाया है कि इसमें जहाँ ये नोड है, जहाँ ये बड़ है, देखिए यहाँ से इसमें रूट्स आ जाएंगी। इसको हम लेयरिंग कहते हैं। और इसके अलावा हम काट के भी कलम लगा दें तो वो भी बहुत आसानी से, बरसात में तो बहुत आसानी से लग जाती है, ठंड में भी लग जाती है। तो कैसी लगी आज की हार्वेस्टिंग? उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, हार्वेस्टिंग ये अच्छी देखो, लगी होगी। एक बार फिर से मैं सब्जी दिखा देती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरी बगिया अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही लें। नमस्कार।